हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, टुडे आई विल टीच यू सिक्स चैप्टर कॉलोनियलिज्म एंड अर्बन चेंज। प्रीवियस वीडियो में मैंने व्हाट इज अर्बनाइजेशन एंड द हिस्ट्री ऑफ अर्बनाइजेशन बताई थी। हिस्ट्री ऑफ अर्बनाइजेशन में तीन पार्ट्स थे, इट मीन्स देर आर थ्री पार्ट्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ अर्बनाइजेशन। फर्स्ट पार्ट वॉज एंशिएंट इंडिया, सेकेंड पार्ट वॉज मेडिवल इंडिया एंड थर्ड पार्ट इज मॉडर्न इंडिया। टूडे वी आर गोइंग टू टीच द हिस्ट्री ऑफ अर्बनाइजेशन ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो आज मॉडर्न इंडिया के बारे में, मैंने मॉडर्न इंडिया में अर्बनाइजेशन की क्या हिस्ट्री है उसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। तो इसमें है कि मॉडर्न इंडिया में जब औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद धीरे धीरे मुगल एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो जाता है। जब मुगल एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो जाता है तो वहाँ पे कुछ ऐसे स्टेट्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते जाते हैं, यानी कि वहाँ के जो सरदार हैं वो उस एरिया का मालिक बन जाता है। तो वो इंडिपेंडेंट एरिया में आपको आ जाता है बंगाल, अवध, हैदराबाद एंड मैसूर। तो कुछ का मैं नाम यहाँ पे लिखी हूँ, लेकिन इसमें ढेर सारे नाम आते हैं। तो कुछ ऐसे भाग हैं जो इंडिपेंडेंट हो रहे थे। तो जब मान लीजिए वो भाग इंडिपेंडेंट हो रहे थे तो उनका कैपिटल टाउन भी बदल जाता था, कैपिटल सिटीज भी वहाँ पे चेंज हो जाती थी। तो अब वो सारे उनके कैपिटल टाउन भी होंगे या कैपिटल सिटीज भी होंगे, उनका भी तो डेवलपमेंट होगा, वहाँ भी नई नई बिल्डिंग का फॉर्मेशन होगा। तो कहता था ग्रोथ ऑफ न्यू रीजनल प्रोसेस इज सीन इन द इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ रीजनल कैपिटल्स, यानी कि उस वैसे कैपिटल्स का भी डेवलपमेंट देखा जाता है, यानी उस एरिया का भी वो अर्बनाइजेशन होना शुरू हो जाता है। तो उसमें जैसे आपको हो गए लखनऊ, हैदराबाद, श्रीरंगपट्टनम, नागपुर, तंजौर, तो बहुत सारे ऐसे भी कैपिटल टाउन हैं जहाँ पर भी अर्बनाइजेशन देखा जाता था। लेकिन ये अर्बनाइजेशन जो देखा गया था ये आपको मॉडर्न इंडिया में देखा गया था, यानी ब्रिटिशर्स के आने से ये पहले की हिस्ट्री थी ये मॉडर्न इंडिया में। अब ब्रिटिशर्स के आने के बाद इस कॉलोनियल इंडिया में अर्बनाइजेशन या डी अर्बनाइजेशन की क्या हिस्ट्री है। तो अब हम अभी तक तो मैंने इसमें बताई हूँ अर्बनाइजेशन, तो डी अर्बनाइजेशन क्या है। तो अर्बनाइजेशन इट मीन्स विलेज एरिया कन्वर्ट इन टू टाउन एरिया, और डी अर्बनाइजेशन उसका जस्ट अपोजिट, यानी कि टाउन एरिया डिक्लाइन इन टू विलेजेज। तो ये कब शुरू हुआ, ये शुरू उस समय की स्टोरी है जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स लोग आते हैं और यहाँ के मेन में जहाँ इकोनॉमिकल एरिया देखा जाता था उनको कैप्चर करके उनको एक नए एरिया में कन्वर्ट करके और वहाँ से इनकम का वो लोग सोर्स बना लेते थे। तो अब जो इसके बाद, यानी मॉडर्न द हिस्ट्री ऑफ अर्बनाइजेशन ऑफ मॉडर्न इंडिया के बाद जो अर्बनाइजेशन की हिस्ट्री है वो आपको है डी अर्बनाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इन कॉलोनियल इंडिया। तो कॉलोनियल इंडिया में अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अर्बनाइजेशन एंड डी अर्बनाइजेशन का क्या हिस्ट्री है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जब ये यहाँ पे चर्चा है कॉलोनियल इंडिया की जब भी चर्चा होती है तो आप समझ जाइए आपका ध्यान ब्रिटिशर्स के ऊपर जानी चाहिए। तो कॉलोनियल इंडिया यानी कि निश्चित रूप से अब इसमें मेनली कहानी ब्रिटिशर्स की है, लेकिन ब्रिटिशर्स के अलावे भी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी यूरोपियन पावर्स में आपको कुछ पोर्टुगीज की भी स्टोरी है, कुछ उसमें फ्रेंच की भी स्टोरी है और कुछ ब्रिटिशर्स की स्टोरी है, लेकिन तीनों आपको आ जाते हैं आपको यूरोपियंस पावर में। तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, ये दोनों पावर्स को यानी कि पोर्टुगीज और फ्रेंच, क्योंकि वो समझ रहे थे कि ट्रेड के
रास्ते में अगर कोई कंपटीटर है, ट्रेड के मार्ग में अगर कोई मेरा कंपटीटर है, तो हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उनकी अपनी एक मोनोपोली निकाले, जो कि वो पोर्टुगीज और फ्रेंच को यहाँ से मार भगा दिए, और तब कॉलोनियल इंडिया पे वो आराम से 200 वर्षों तक राज किए थे। तो अब इसमें हम यूरोपियंस पावर जब आए थे, तो निश्चित रूप से कुछ अलग एरिया को वहाँ पे अर्बेनाइजेशन शुरू होगा, और जो पहले से जहाँ मतलब जो एरिया टाउन में कन्वर्ट हो चुका था, उस एरिया को जब लोग छोड़ दिया होगा, तो वो वहाँ पे डी अर्बेनाइजेशन शुरू हुआ, और जिस भाग में ये लोग अपना ट्रेड का एक कमर्शियल सेंटर बनाए होंगे, तो वहाँ पे शुरू हो गई क्या अर्बेनाइजेशन। तो वैसे पार्ट्स में आपको देखा जाता है गोवा, दमन एंड दीव, जहाँ पे मुख्य रूप से आपको पोर्टुगीज ट्रेड्स थे, पुर्तगाली जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये पोर्टुगीज ट्रेड थे। और चंद्रनगर और पौंडीचेरी में खास करके देखा जाता है आपको फ्रेंच ट्रेड्स यहाँ पे। अब इसके बाद इसी पार्ट्स में अब ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिशर्स की कहानी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। धन्यवाद।